हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे CISF हेड कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 16 है, 15 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अभी कभी याद हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये आपके लिए था फ्रेंड्स, और हम बोले थे कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आप जितना जानते हैं 100% होता जाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन था अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन था अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, और इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्याण अर्थशास्त्र में, कल्याण अर्थशास्त्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको याद रखिएगा, 1998 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले फ्रेंड्स NTPC का जो नोटिफिकेशन है रात को आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए अपने तैयारी में और हो सके तो आज शाम से लिंक एक्टिव हो जाए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग को अच्छे से लग जाना है अब, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देगा आपको, चुनाव से पहले एग्ज़ाम हो जाए या उसके जस्ट बाद हो जाए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है पूरी तरह से। तो अभी से ही लग जाइए फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा फॉर्म अप्लाई होने के बाद, सो अभी से ही आपको लगना पड़ेगा। और वैकेंसी अच्छा है तो लगना तो आपको पड़ेगा ही और ले ही लीजिए आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में हम उसका सिलेबस अपलोड कर देंगे और उसका प्रीवियस पेपर और तैयारी कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम कर देंगे। तो आप लोग आज हो सके तो एक्टिव हो जाए तो हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे उसके लिए लिंक, आप लोग एक अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बारे में सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस आपका क्या है, कितना क्वेश्चन किस पार्ट से रहेगा, उसका हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको लग जाना है और देखते हैं फिर आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वो किसका संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन है, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को, यानी कि रवि कृति को किसका संरक्षण प्राप्त था। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और फ्रेंड्स कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाया। वैसे आपका वीडियो डेली आता है मंडे टू सैटरडे, मतलब कि सोमवार से शनिवार तक डेली वीडियो 3 बजे के बाद आता है, तो आप लोग वेट करते होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं फ्रेंड्स। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाया, वैसे अब डेली आता रहेगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। ये डेट भी याद रखिएगा, पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में लाहौर सत्र, मतलब कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, इसके लिए 370 आर्टिकल 370 के द्वारा ये अलग एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है जम्मू एवं कश्मीर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार अंतर्गत क्या प्राप्त है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार अंतर्गत क्या प्राप्त है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी ये तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष का नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाइफर्केट करके एक एक करके आपसे पूछ लेगा और आपका आंसर सही होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन तीनों की नियुक्ति की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 2 वर्ष की होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप में सैंडल पीक स्थित है। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक यानी कि गद्दीदार चोटी स्थित है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड, जो ये मांजुली जो है संसार की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। असम जो है कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग धैर्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। क्वेश्चन है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग धैर्य का प्रकाश
पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोफो। लिम्फोफो नदी है जो फ्रेंड्स मकर रेखा से दो बार गुजरती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, वह कौन सी बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, वह कौन सी बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूरोसियो धारा। ठीक है, क्यूरोसियो धारा के काली पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश यहाँ पर के हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ग्रीष्मकाल में मरीचिका की दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाना हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर हो जाएगा। नाम से तो लग रहा होगा कि इसमें सिल्वर पाया जाता होगा, लेकिन रियल में इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर हो जाएगा। आपको हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक में सिल्वर पाया जाता है, बट जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं। ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। ठीक है, फफूंद से पेनिसिलिन की प्राप्ति की जाती है। फफूंद कह ले तो कवक। ठीक है फ्रेंड्स, फंगी यानी कि कवक, उसी को फफूंद बोला जाता है, तो पेनिसिलिन इसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा इससे, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के लिए बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। क्वेश्चन है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊँट हो जाएगा। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी ऊँट को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ऊँट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है। क्वेश्चन है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, कम अनुपात में जब आय बढ़ती है तो खपत भी कम अनुपात में बढ़ जाती है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुपक्षीय व्यापार। WTO मुख्यतः बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुसूचित बैंकों की पंजीयन किसके पास कराना होता है। अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किससे पास कराना होता है, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक से पास कराना होता है अनुसूचित बैंकों का पंजीयन, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये आपके लिए है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसमें से राइट आंसर कौन है, और आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।